हेलो एंड वेलकम टू यूवास। आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज एक इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे, उससे पहले आप जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण बात। माय डियर, आज की हमारी चर्चा है कि हम कब किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, अर्थात जैसे जैसे हमें बोलना है, जैसे हमें बोलना है गुड मॉर्निंग, तो हम कब बोल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, गुड मॉर्निंग मिलने के लिए बोलते हैं, प्रायः तो लोग इसको सुबह के पहर में बोलते हैं, लेकिन आप दिन में कभी भी किसी से मिले तो आप गुड मॉर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा वर्ड है हमारा आज का, और वो है गुड आफ्टरनून। यह शब्द हमेशा याद रखें, केवल मिलते समय बोलते हैं। दोपहर बाद जब किसी से भी आप मुलाकात करें तो गुड आफ्टरनून बोलें। यानी कि ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी से अलग होते हैं तो उस दौरान हमें गुड आफ्टरनून नहीं बोलना है, ये केवल और केवल मिलते समय ही हम बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड पर चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हमेशा याद रखिए, जब हम आप किसी से मिलते हैं तो हम गुड इवनिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। और ये गुड इवनिंग एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा मिलते समय बोलना है। अब चाहे रात में आप किसी से आप 10 बजे 10 PM में मिल रहे हों तो आपको गुड इवनिंग ही बोलना है, गुड नाइट नहीं बोल सकते हैं। इस बात का विशेष ख्याल रहना चाहिए। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुड नाइट वर्ड कब बोलते हैं, गुड नाइट शब्द कब बोलेंगे, इस बात को आप समझें। गुड नाइट यह शब्द बिछुड़ने अर्थात सेपरेट होते समय, अलग होते समय बोलते हैं। यदि आप किसी से शाम को 5 बजे भी अलग हो रहे हैं और अब रात में मिलने की कोई उम्मीद नहीं तो आप गुड नाइट कह सकते हैं। रात्रि में तो बोलना ही है, लेकिन याद रखना मिलते समय नहीं, अलग होते समय। अगर दिन में आप किसी से अलग हो रहे हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए, ये बात भी सीखें। आप कह सकते हैं हैव अ नाइस डे। क्या कह सकते हैं आप कह सकते हैं हैव अ नाइस डे या गुड डे, हैव अ नाइस डे, जब किसी से आप दिन में अलग हों। इन शब्दों को निश्चित तौर पर जैसे बोलते समय आप हैव अ, जैसे दिन में किसी से अलग होते हैं तो आप हैव अ वंडरफुल डे भी बोलते हैं, हैव अ गुड डे बोल सकते हैं। और याद रखें महत्वपूर्ण और सबसे काम की बात, अगर किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हाउ डू यू डू, तब आप मुझे रिप्लाई करिए। इसका मीनिंग होता है क्या हाल चाल है, तब आप मुझे रिप्लाई करिए कि आप गुड नाइट बोलेंगे या गुड इवनिंग। यहाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या बोलेंगे। तो निश्चित तौर पर जब हाल चाल लेते हैं किसी का भी आप, तो आप मिलते समय लेते हैं, इसलिए यहाँ गुड नाइट नहीं होगा, क्या होगा, गुड इवनिंग, हाउ डू यू, कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है। तो चलिए आज इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही। टेक केयर, कीप ऑन लर्निंग।